Next, we are going to talk about challenges in marketing professional services. we time through So, uh, you know, at times when we talk about that everything is related to advertisement, probably when we look at to the mental health services, except the services which is being provided by the government, the mental health services

एपीएिक्स कोर्स डज नॉट में प्रैक्टिस इन एडवर्टीजमेंट अब वो क्या है क्योंकि एपीए हर चीज के कोर्स देता है तो वो आपको यह कोर्स भी देता है कि ठीक है आप प्राइवेट प्रैक्टिस करें लेकिन आप जब उसको एडवर्टाइज करेंगे तो आप क्या कोड ऑफ एथिक्स जो है वो फॉलो करेंगे थे पब्लिक स्टेटमेंट्स जिस तरह हम बहुत सारी एडवर्टिजमेंट्स के अंदर इस तरह के क्लेम्स कर सकते हैं कि एक चीज़ एक मैजिक की तरह आपके मसले को हल कर सकती है आपकी जो तमाम तर इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकती है आप ये प्राइवेट प्रैक्टिस के ऐड में ऐसा कोई क्लेम ऐसी कोई डिसेप्टिव चीज़ जो है वो नहीं डाल सकते जिसको सुनने के बाद कोई ये समझे कि ये कोई इस किस्म की आपके पास कोई मैजिक वैंड है जिसकी हेल्प से आप हर चीज़ को जो है वो ठीक कर देंगे देन इंक्लूडिंग एनी वन रिलेटेड टू प्रैक्टिस रिसर्च और प्रोफेशनल क्रीडेंशियल्स आप अपनी रिसर्च के बारे में अपनी प्रैक्टिस के बारे में अपनी प्रोफेशनल क्रीडेंशियल्स के बारे में सिर्फ वही स्टेटमेंट्स दे सकते हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक हैं। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अपने बारे में एडवरटाइज करना विच इज नॉट इन एक्चुअली अवेलेबल इज अनएथिकल एंड रादर अम थेरेपिस्ट मस्ट मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय अदर्स ऑन हिस्स और हर बिहाफ अगर बेशक थेरेपिस्ट के बिहाफ पे कोई एडवर्टिजमेंट कंपनी उसको कंप्लेन कर रही है लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थेरेपिस्ट पे आती है तो वो ये इंश्योर करे कि जो भी क्लेम किया जा रहा है दैट शुड बी राइटियस वन और उसमें कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए इन सो डूइंग एडवर्टिसमेंट्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज सच एंड थेरेपिस्ट शुड रिटेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच आर एंगेंज टू प्रोमोट देयर वर्थ Uh, अगर किसी भी जगह पे कोई मिसकंडक्ट हो जाता है तो थेरेपिस्ट कान से कि दिस इज़ नॉट बीइंग डन बाय मी मैंने तो एक कंपनी हायर की थी जो मेरे काम को एडवर्टाइज़ रही थी एंड दिस इज़ बीइंग डन बाय देम सो इन अदर वेज़ उनकी तरफ से जाने वाला हर प्रोमोशनल मटीरियल थेरेपिस के लिए वेट करना ज़रूरी है ताकि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास ना जाए जिसको आप राइटियस क्लेम नहीं कर सकते थेरेपिट शुड नॉट कम्पनसेट दीज दो इन द मीडिया फॉर पब्लिसिटी इन न्यूज आइटम इस तरह की एडवर्टिजमेंट जो है उसको न्यूज़ में पब्लिसाइज करना भी अनएथिकल है उसके लिए कुछ सेपरेट जो फोरम्स हैं उन्हें सिर्फ वहीं पर पब्लिसाइज किया जा सकता है थेरेपिस्ट डोंट आस्क प्रजेंट ट्रीटमेंट प्लान टू अदर पीपल हु सर्कमस्टांसिस मेक दैम वर्नरेबल टू इन अप्रोप्रिएट इन्फ्लुन्स फॉर टेस्टामोनियल्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके पास एक क्लाइंट जो अंडर ट्रीटमेंट है आप उसको फोर्स करें कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी बताकर आपके इस प्रोडक्ट को दूसरे लोगों को सेल करिए कि आप एक अच्छे साइकोथेरापिस्ट हैं सो दीज काइंड ऑफ अन ऐथिकल प्रैक्टिस आर बींग बैंड बाई ए पी ए ताकि ये कहीं एक नॉर्मल और रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा ना बन जाए वाइल ऑफरिंग द पब्लिक एडवाइज़ लाइक ब्रॉडकास्ट एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन द थेरेपिस मस्ट क्लेफाई दाइंटिफिक बेसिस ऑफ एडवाइस एंड मेक एनी प्रोफेशनल रोल्स विद रिस्पेक्ट टू द एडवाइस रेसिपी एंट कलियर जहाँ पर भी कोई आप खल, क्लेम कर रहे हैं अपनी किसी भी ट्रीटमेंट के बारे में अपनी साइकोथेरेपी के बारे में कि आप डिप्रेशन जो है उसको सी बी के टी के थ्रू रेडिकेट करने के एक्सपर्ट हैं या आप कहते हैं कि आप रोल प्लेंग की टेक्निक के एक्सपर्ट हैं एन एल पी के एक्सपर्ट हैं तो वहाँ पर जो आपकी ऑथेंटिक स्टेटमेंट्स हैं सिर्फ वही ब्रॉडकास्ट और कम्युनिकेट uh, करनी चाहिए रादर देन के आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लेम करें जो एक्चुअली फॉल नहीं करती आ, एक थेरेपिस्ट के अपने एक्सपर्टी के एक्सपर्टाइज़ के एरिया में लेकिन वो उसको क्लेम करे कि वो ये सारी चीज़ें कर सकता है थेरेपिस्ट मस्ट अपहोल्ड द एक्यूरेसी ऑफ एनी वर्कशॉप एंड नॉन डिग्री एजुकेशनल प्रोग्राम्स दे ऑफ़र बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे साइकोथेरेपिस्ट डिफरेंट टीचिंग प्रोग्राम्स भी कर रहे होते हैं डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कर रहे होते हैं तो किसी भी ऐसी चीज की ट्रेनिंग देना अनएथिकल uh, है जिसके लिए आपके पास खुद एक्सपर्ट डिग्री अवेलेबल ना हो थेरेपिस्ट शुड नॉट ट्राई अनवांटेड इन परसन सॉलिसटेशन ऑफ द बिजनेस फ्राम एक्चुअल और पोटेंशल क्लाइंट्स हु सर्कम्स रेंडर दैम वर्लरेबल टू अंडू इनफ्ल अदर डायरेक्टली और थ्रू एजेंट्स अब आपकी एक थेरेपिस्ट की कंपनी में बहुत सारे जो हैं उसने क्लाइंट्स जो हैं वो इंगेज किए होते हैं इनरोल किए होते हैं उन क्लाइंट्स की हेल्प से फर्दर क्लाइंट्स को गेज करना उन क्लाइंट्स को अपनी ही डिफरेंट तरह की वर्कशॉप्स में मैंडेटरी पार्टिसिपेशन करा के उनसे पैसे ले लेना ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करें या आज उस ट्रेनिंग के लिए पेमेंट करें दिस इज़ अनएथिकल बिकॉज कोई भी क्लाइंट किसी भी थेरेपिस के कहने पर अगर फोर्सफुली किसी भी पार्टिसिपेशन का हिस्सा बनता है तो डेट विल बी कंसिडर वेरी अनएथिकल इन कोर्स ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन क्योंकि एक थेरेपिस जो है उसके लिए ये सारी प्रैक्टिस जो हैं वो अनएथिकल डोमेन में इंक्लूड होती हैं